अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफर जी। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन और आज एक्सरसाइज होगी हमारी 3.6। बेसिकली 3.6 जो है वो आपको थोड़ा इंटीग्रेशन का आइडिया भी होना शुरू हो जाएगा। 3.6 एक्सरसाइज जो है वो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल्स के ऊपर है। इससे आपको ये भी थोड़ा फील होगा कि इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, और ये बेसिकली टॉपिक भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में आता है कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स ही आपको एप्लीकेशंस के बारे में जो है वो आइडिया दे सकता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल्स, जैसे नाम से जाहिर है, डेफिनेट कोई फाइनाइट की बात हो रही है। तो इंटीग्रेशन बेसिकली, अगर मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को लेके चलूँ और समझाऊँ आपको, तो लेट्स से दैट ये मेरे पास एक ग्राफ है और इसका जो भी फंक्शन है, लेट्स से दैट ये एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है। इस फंक्शन की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे मुराद ये होता है कि एरिया बिलो द कर्व, इस कर्व के नीचे का जो एरिया है ये हमने फाइंड करना है। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस एक्स इज इक्वल्स टू ए से लेके इस एक्स इज इक्वल्स टू बी तक के दरमियान का एरिया बताएं, यानी कि ये कितना रीजन है ये हमने कैलकुलेट करना है। तो ये रीजन कैलकुलेट करने के लिए हम उसका जो एरिया चेक करने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम ए टू बी, सो दैट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ये डेफिनेट इंटीग्रल में आएगा। इस पर अर्शमीदस ने भी काम किया हुआ, आप अपनी बुक में देखिएगा ज़रूर इसके बारे में। तो अब मैं इसकी अगर रिप्रेजेंटेशन बताऊं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये आपके पास लेट्स से दैट आ जाता है कि इसका एफ ऑफ एक्स की कोई इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई एक डिफरेंट फंक्शन आएगा। लेट्स से दैट मैं उसको फाई ऑफ एक्स कह देता हूँ, और जो लिमिट है यहाँ पे फाई ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और लिमिट है ए से बी। सो बच्चों, इसमें क्या होगा, अपर लिमिट पहले पुट करते हैं phi of b plus c, और माइनस लोअर लिमिट पुट कर देते हैं phi of a plus c। सो इसमें बच्चों आपने देखा कि phi of b plus c minus phi of a minus c, c से c कैंसिल हो जाएगा तो phi of b minus phi of a, ये आपके पास रिजल्ट बच जाएगा। अब देखें उस फंक्शन में, चूंकि ये a और b दोनों के दोनों जो हैं ये आपके फाइनाइट नंबर्स हैं, तो इन डेफिनेट नंबर्स को जब इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इनका जो डिफरेंस होगा ये कुछ डेफिनेट नंबर आएगा। तो डिफरेंस एक डेफिनेट नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा। तो वो जो डेफिनेट नंबर है उस वजह से आप इस इंटीग्रल को कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। सो जब इसकी डेफिनेशन आप करने जाएंगे तो आप सिंपली ये कह दें कि लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन एंड that is differentiable, that is the derivative of phi of x, then the integration of that which is phi of x plus c a to b, तो उसके बाद ये थोड़ा आप उसको करके बता दें तो ये आपके पास definite integrals हो जाएगा। उसके बाद है जो इसके questions की तरफ आते हैं, कोई नया idea नहीं, नया theme नहीं, जो integration आपने करनी थी, सीखनी थी, सीख ली, अब उसी को apply करके हमने इन questions को solve करना है। So exercise number 3.6 से हम आगाज़ करते हैं, और 3.6 exercise के अंदर students अब हमने देखना है कि basically क्या हैं ये डेफिनेट इंटीग्रल्स। मैंने पहले आपको अर्ज किया कोई नई इंटीग्रेशन नहीं, कोई नया आइडिया नहीं, सिर्फ आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिमिट्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो आपने लेके आना है बस। एक्सरसाइज होगी हमारी 3.6 मैंने यहाँ पे लिख दी, और इसका क्वेश्चन नंबर हम इसमें डील करेंगे 1 2, लेट्स से दैट 1 2 मैं 12 कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेट्स क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आते हैं। तो सवाल है हमारे पास 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है इंटीग्रेशन जो है ये एक लीनियर ऑपरेटर है, अलग अलग ऑपरेट हो जाती है, तो आप इसको अलग अलग ऑपरेट कर दें। 1 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से 2 1 डी एक्स। अब देखें सिर्फ एक लिमिट लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, बाकी तो कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। अब देखें वही पुरानी इंटीग्रेशन की, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स का डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो उसकी पावर में ऐड करके उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट है 1 से 2 प्लस ये 1 की इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट है 1 से 2, ये आ जाएगा। और डेफिनेट इंटीग्रल्स के अंदर आपने अभी जब मैंने सॉल्व करके दिखाया तो आपने देखा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाता है, इसलिए लगाने की ही ज़रूरत नहीं, हमें पता होता है यहाँ से यहाँ तक उसको इंटीग्रेट करना है, तो कुछ प्लस माइनस में कोई ज़रूरत हमें पड़ती ही नहीं उसकी। अच्छा जी, अब लिमिट पुट करनी है, 1/3 को साइड पर कर दें।
अब लिमिट पुट करने का क्या तरीकाकार है, ये जो भी फंक्शन आपको नजर आ रहा है पहले इसमें अपर लिमिट पुट करें, तो ये आ जाएगा 2 है अपर लिमिट, और इस 2 के ऊपर क्या आ जाएगा क्यूब, अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब 1 का क्यूब ये आ जाएगा, प्लस इसमें अपर लिमिट पुट करें वो आ जाएगी 2 और लोअर लिमिट पुट करें तो वो आ जाएगी 1, तो ये आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आप जरा गौर कीजिएगा, 1/3 2^3 विच इज 8 - 1 + 2 - 1 ये हो जाएगा 1। ओके ये आ जाएगा 7/3 क्योंकि 8 - 1 क्या हो जाएगा 7 और नीचे 3 प्लस 1 प्लस 1 तो ये 3 एलसीएम ले लें 7 + 1 विच इज 10/3 ये आपके पास इसका एरिया आ गया। और एरिया का आपको पता है जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है स्क्वायर यूनिट, तो सिर्फ आप साथ क्या है एस क्यू यूनिट लिख दिया करें स्क्वायर यूनिट तो वो उसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से सारे के सारे क्वेश्चन हम डील करेंगे करते जाएंगे। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास इसका 2 भी देख लेते हैं, सेम ऐसे ही है, 2-3 क्वेश्चंस मैं रेगुलर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जी स्टूडेंट्स, -1 से शायद +1 है जी, x raised to power 1 by 3 प्लस 1 dx। लो बच्चों इंटीग्रेशन है, अलग अलग ऑपरेट कर दें तो अलग अलग ऑपरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, -1 से 1 x raised to power 1 by 3 dx प्लस 1 dx जी, ये आपके पास आ जाएगा -1 से 1। आप देखें विदाउट पावर x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो 1 साथ मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे 1/2 + 1 over 1/2 + 1 और इसकी लिमिट है -1 से 1, फिर 1 की इंटीग्रेशन क्या है x और लिमिट है -1 से 1। ठीक हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स ये बन जाएगा x raised to power 3/2 over 3/2 लिमिट है -1 से 1 + x -1 से 1। ठीक हो गया, अब हम इससे आगे चलते हैं और देखते हैं लिमिट्स को पुट करके, ये मैं साइड पे लिखूंगा तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक हो गया जी, 2/3 आ गया, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करें, अपर लिमिट क्या है 1, तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 raised to power 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट इसमें पुट करें तो -1 raised to power 3/2 ये आ गया। उसके बाद प्लस, अब इसमें स्टूडेंट्स आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आएगा अपर लिमिट है 1 माइनस लोअर लिमिट है -1, सो ये हमारे पास ये बन गया। ठीक हो गया, ओके स्टूडेंट्स तो ये सिचुएशन कुछ ये बन जाएगी 2/3 1 माइनस -1 raised to power 3/2 और ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1 ये 2 बन जाएगा। सो इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये -1 raised to power 3/2 को आप आगे भी जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। सॉरी ये 1/3 था पावर, तो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी, रियली सॉरी फॉर दैट, ये 1/2 है यहाँ 1/3, मैंने गलती ये की कि यहाँ पे 1/3 होना आना चाहिए था, ये भी 1/3 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे जब आप ऐड करेंगे तो ये 4/3 बनेगा, सॉरी फॉर दैट, ये भी क्या हो जाएगा 4/3, इधर आ जाएगा इसको उल्टा के लिखेंगे तो 3/4 और यहाँ पे भी 3/4 इधर 4/3 और 4/3। अच्छा जी, तो जब इसको फाइनली लिखेंगे तो 3/4 ये मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस, अच्छा इसको जरा गौर करें, -1 की पावर आप पहले 4 अलग करके 1/3 अलग कर दें ताकि आप इसको सॉल्व कर सकें और ये हो जाएगा 1 + 1। ओके बच्चों ये आ जाएगा 3/4 1 माइनस -1 raised to power जब हम 4 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 1 हो जाएगा, तो 1 raised to power 1/3 + 2 तो ये आ जाएगा 3/4 आम फहम में ये आपके पास सिचुएशन बन गई 2 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया जी स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी जाते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो है क्या रिजल्ट देता है इसमें।
क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मैं अब आपको थोड़ा डायरेक्ट भी आइडियाज़ देता हूँ, सारे क्वेश्चन ज़ाहिर है यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट मैं जाऊँगा 5th पे, 1/3 जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसको आप कर सकते हैं 1/2x-1^2 था, तो पावर इसको ऊपर ले जाएँ और साथ जस्ट 2 चाहिए तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2 से कर लें। इसी तरह 4 भी हो जाएगा। मैं जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं जी बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ रही होगी। और हाँ, किसी किस्म का ये ज़ाहिर है वो लिखते हुए अगर कोई मिस्टेक हो जाती है उसके लिए मैं माजरत भी करता हूँ। कोशिश मैक्सिमम होती है कि उसको रिव्यू करता रहूँ, किसी किस्म की गलती ना हो, फिर भी हल्का फुल्का अगर कुछ हो जाता है तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों सवाल है 1/2√5, ये आ गया, और 2t-1 raised to power 3, और इसका ऊपर है क्यूब स्क्वायर रूट, ठीक हो गया, डी टी साथ। लो जी, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। अब अगर आप इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो पहले तो आप लिखें 1/2√5 और ये जो है 2t-1, इसके ऊपर 1/2 power है और क्यूब भी है, तो टोटल मिला के पावर बन रही है 3/2 डी टी, ये आ गया। अब देखें इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या है, 2t-1 का 2 डेरिवेटिव है, तो अगर मैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2 कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लूँ और डिवाइड भी कर लूँ, तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा 1/2 1/2√5 2t-1 raised to power 3/2 और साथ आ जाएगा 2dt, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बनेगा 1/2। अब फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, उसकी इंटीग्रेशन कर दें। किस तरह करेंगे, आप लिख देंगे 2t-1 raised to power, इसकी पावर में एक ऐड करें तो 5/2 और नीचे भी 5/2 और लिमिट है 1/2√5, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया जी स्टूडेंट्स। उसके बाद ही आ जाएगा 1/5। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट है, अपर लिमिट इसमें पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा 2t-√5-1 raised to power 5/2 और माइनस लोअर लिमिट माइनस ये आ जाएगा 2 into lower limit है 1 1-1 raised to power 5/2। सो ये आ गया 1/5 2 into square root 5-1 raised to power 5/2 -2-1 1 और 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर आपके पास 1 आ गया। सो इसके साथ आप लिख दें SQ यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स के अंदर आपका ये जवाब आ गया जी बच्चों। इसके बाद हम चलते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 6 का, मैं अगर आपको आइडिया दूं, सो क्वेश्चन नंबर 6 में सिर्फ आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो सॉरी 6 के बाद 7 पे आते हैं, तो 7 से भी हमें जस्ट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और लॉग में उसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको भी कर दूं क्वेश्चन नंबर 7 को जी, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों है मेरे पास 1 से 2, क्वेश्चन 7 में है इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 2 dx, इसकी इंटीग्रेशन करनी है आपने, ठीक हो गया 1 से 2। ओके बच्चों, ये x² + 2 का डेरिवेटिव क्या है, 2x, तो आप क्या करें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1/2 2x/x² + 2 dx। अब आप देख रहे हैं नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है और फंक्शन होल पावर में नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 log x² + 2 और इसकी लिमिट लगा दें इसके ऊपर 1 से 2, ठीक हो गया। अब आप लिमिट जस्ट पुट करें 1/2, पहले अपर लिमिट पुट करें, ये आ जाएगा 2² + 2, ठीक हो गया, माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1² + 2, ये आ गया। सो ये आ जाएगा 1/2 log 4 + 2 कितना हो गया 6, ठीक हो गया, पॉजिटिव नंबर है तो बेशक आप मॉड हटा दें, log 6 आ गया, माइनस ये आ जाएगा log 3 आ जाएगा, ठीक हो गया। आंसर यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन ये अभी सिंप्लीफाई हो रहा है थोड़ा बहुत, तो आप कर भी सकते हैं आगे तक। अब क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे हम, ये आ जाएगा 1/2 और ये आपके पास आएगा
log 6 by 2 क्योंकि दो log के अंदर अगर subtraction हो तो वो एक में division में आ जाता है तो इसको इससे काट दें ये 3 आ जाएगा 1 over 2 और ये आ जाएगा log 3 या फिर आप ये लिख सकते हैं log 3 raised to power 1 over 2 मतलब log 3 square root और square units में answer आ गया तो इस तरह ये इनमें से कोई भी answer होगा book में वो देख लीजिएगा तो ये आपका question हुआ complete Anyways, next question, question number 8 की तरफ अगर देखते हैं, तो पहले बच्चों आपको square open करना पड़ेगा इसका, उसके बाद ये question solve हो जाएगा. Question number 9 की बात करता हूँ मैं. Question 9, तो 9 में देखते हैं, वो भी just function का derivative साथ पड़ा हुआ है, तो आपने उसकी integration करनी है, जाहिर है उसकी power में एक add हो जाएगा, उसी से divide हो जाएगा. Question number 9, question 9, वो students हैं हमारे पास माइनस वन से वन माइनस वन से वन और ये है एक्स प्लस वन ओवर टू एक्स प्लस वन ओवर टू साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ठीक हो गया डी एक्स अच्छा जी अगर मैं इधर से कुछ ऐसे लिखूं माइनस वन से वन इसका एलसीएम ले लूं तो ये टू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एक्स प्लस वन ओवर 2 और साथ आ गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx ये आ गया अच्छा जी 1 ओवर 2 साइड पे ले लें माइनस 1 से 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मैं शुरू में लिख रहा हूं 1 ओवर 2 के साथ पावर और ये साथ लिख रहा हूं 2x प्लस 1 dx लो जी अब आपको जो क्वेश्चन डिफिकल्ट नजर आ रहा था वो जरा गौर करें आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ भी नजर आ रहा है 1 ओवर 2 x स्क्वायर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की पावर में क्या ऐड करेंगे तो 3 by 2 over 3 by 2 और लिमिट है minus 1 से 1 ये 2 से 2 कैंसल हो गया सो अब आप क्या करेंगे ये x स्क्वायर लिमिट पुट कर दें 1 by 3 को साइड पे कर लें ये जो 3 नीचे आया इसको इधर ले जाएं अब अपर लिमिट पहले पुट करें 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 raised to power 3 by 2 minus फिर लोअर लिमिट पुट करें minus 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 raised to power 3 by 2 ये आ गया सो बच्चों ये आ जाएगा 1 by 3 1 plus 1 plus 1 और power 3 by 2 जी इधर आपके पास आ जाएगा minus 1 plus 1 plus 1 और raised to power क्या है 3 by 2 ठीक हो गया ये minus 1 से 1 x square plus x plus 1 ओके स्टूडेंट्स तो ये आपके पास बन जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 और उधर भी है 3 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 तो सिचुएशन आप देख लें क्या बन रही है सॉरी यहां पे ये वैल्यू जब माइनस पुट करेंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा माइनस 1 सॉरी फॉर दैट तो ये बच्चों आ जाएगा 1 बाय 3 3 रेज़ टू पावर 3 बाय 2 माइनस ये इससे कैंसिल 1 तो 1 आंसर यहां पे आ गया सो यहां तक भी ठीक है स्क्वायर यूनिट्स और मजीद अगर आप इसको आगे चलाना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 3 इनटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 भी उस सूरत में भी लिख सकते हैं यानी कि नेक्स्ट स्टेप में अगर आप जाते हैं तो ये आपका बन सकता है 3 इनटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और स्क्वायर यूनिट्स तो इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं किसी भी तरीके से आंसर को बना लें एनीवेज जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं और 10 को देखते हैं क्या रिजल्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 आपका इन्वर्स फंक्शन का एक सवाल है एमसीक्यूज में भी आता रहता है पेपर में सो इसको भी जरा गौर करें क्वेश्चन नंबर 10 0 से 3 dx ओवर x स्क्वायर प्लस 9 ये सवाल है ठीक हो गया अब ये आपके पास आ जाएगा 0 से 3 मैं जरा एक नजर आपको दिखा दूं इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर सो बच्चों एज आपको याद हो अगर 1 ओवर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की इंटीग्रेशन dx की तो होती है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a सो इसको देखते हुए जरा इस इंटीग्रेशन को लिखें तो ये क्या आ जाएगी 1 ओवर a मतलब 1 ओवर 3 और tan इनवर्स x ओवर a मतलब x ओवर 3 और लिमिट है 0 से 3 अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 3 tan इनवर्स जी आपने पुट करना है 3 पहले अपर लिमिट 3 ओवर 3 हो जाएगा
माइनस टेन इनवर्स 0 ओवर 3. सो बच्चों ये आ जाएगा 1 ओवर 3 टेन इनवर्स, ये इससे कैंसिल होके 1 माइनस टेन इनवर्स 0, ये आ गया 1 ओवर 3 टेन इनवर्स 1 क्या होता है पाई बाय 4 45 डिग्री और ये होता है 0. सो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 12 स्क्वायर यूनिट. तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तो सिंपल आपका है कॉस टी, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी साइन टी और उसमें लिमिट्स पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सिंपल फंक्शन की पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड कर दें, क्योंकि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है. तो सिंपल फंक्शन की पावर में एक ऐड करें और उसी से डिवाइड करें तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेके 12 तक की एक कहानी थी. उम्मीद है आपको ये बातें समझ आई होंगी. फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछा करें. ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह तबारकअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में थी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी. तब तक के लिए जा दीजिए हाफिज़. अस्सलामुअलैकुम.